लगता है बाजी पलट चुकी है। चलो महाविनाशी की मदद करते हैं। ए रुको, है नहीं पलटी कोई बाजी बाजी, वो तो महाविनाशी का पूछता दिया है, फड़फड़ा रहा थोड़ा ज्यादा, और गई तुम वहां तो बुझ जाएगा तुम्हारा भी दिया। रुको यहीं पर। नाशक श्वेत पान का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। रानी परी, हमें डर है कि महाविनाशनी दुगनी शक्ति के साथ हम पे फिर से वार करेगी। नहीं परियों, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सब चिंता मत कीजिए। परियों, बुराई नाशक श्वेत बानों का असर कभी भी असफल नहीं होता। हाँ, इसके असर होने में थोड़ा समय अवश्य लगता है। हाँ परियों, रानी परी बिल्कुल ठीक कह रही है। महाविनाशनी 5 बुरी परियों से बनी है, इसलिए उसकी बुराई धीरे धीरे समाप्त होगी। और हमें पूरा भरोसा है कि महाविनाशनी धीरे धीरे एक अच्छी परी जरूर बनेगी, और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी विजय होगी। लेकिन रानी परी, हमें पता कैसे चलेगा कि महाविनाशनी के अंदर की बुराइयां मिट चुकी हैं? हरी परी, हम महाविनाशनी पर नजर रखेंगे। हाँ परी, भटकाती परी, गाल परी, आप दोनों विनाश लोग जाइए, और महाविनाशनी पर श्वेत बानों का क्या असर हो रहा है उसकी पल पल की खबर हमें दीजिए। जी रानी परी। रानी परी, मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी महाविनाशनी को अच्छी परी बनते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है बालवीर, आप भी जाइए। अब तक तो मोंटू को पता चल गया होगा कि नारियल सिर पे गिरने से कोई अकल वकल नहीं आती है। अब क्या करें मेहर, अब तो मोंटू हमारी बैंड बजा देगा। हाँ मानव, पता है दादाजी क्या कहते हैं कि जैसी करनी वैसी बननी, तो अब तू ना आइडिया दिया है तो तुझे तो भुगतना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा मोंटू, 2-4 घूंसे मारेगा। हा? क्या मतलब, तू तेरे भाई को पिटते हुए देखना चाहती है? मानव तो चिंता मत कर, उस मॉन्टो ने तुझे छुआ भी ना तो पीट दूंगी। क्या नहीं मॉन्टू की जय, 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 क्या नहीं मॉन्टू की जय। लगता है अभी तक मोंटू के ज्ञान का फुगा फूटा नहीं है, लेकिन जब वो फूटेगा तो उसके ब्लास्ट से हम दोनों उड़ जाएंगे। ज्ञानी मोंटू की जय, 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 ज्ञानी मोंटू की। ज्ञानी मोंटू जी के ज्ञान मिलने के खुशी में हम मुंह मीठा करेंगे। आओ काओ। तो दोस्तों, तुम्हारा दोस्त मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी कौन है? ज्ञानी, ज्ञानी। हे भगवान, मोंटू के सर से ज्ञानी बनने का भूत हमारे घर जाने के बाद ही उतरे, प्लीज। क्यों,
अब तुझे भी डर लग रहा है ना? ज्ञानी ज्ञानी तपाश। लेकिन ज्ञानी मोंटू जी, आपको अचानक इतना ज्ञान कैसे आ गया? ये एक बहुत बड़ा राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। मेहर अभी तो आंख मार रहा है, लेकिन जब इसे वो राज पता चलेगा तब तो यह हमें 2-3 लाख मारेगा। नहीं नहीं, हो सकता है ये भूल गया है कि वो आइडिया तूने इसे दिया था। तो दोस्तों, वो राज तो राज ही रहेगा, पर मैं आप लोगों को एक चीज बता सकता हूं, मेरा ज्ञानी बनने का क्रेडिट मानव भैर को जाता है। तो दोस्तों, मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी के लिए और मानव मेहर के लिए तालिया। तालिया कुछ कम सुनाई दे रही है, लगता है तुम लोगों में से कुछ लोगों को अभी तक यकीन नहीं हुआ है कि मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी ज्ञानी है। तो ठीक है, तुम लोगों को यकीन हो इसके लिए मैं मेरे ज्ञान का टेस्ट दूंगा। तो जिसको चाहिए वो मेरे ज्ञान का टेस्ट ले सकता है। तो बोलो, कौन पूछेगा मुझसे सवाल? मैं पूछूंगा। नहीं नहीं, मैं पूछूंगा। मैं, अब तो हमारी पोल खुल जाएगी और फिर ये हमारा ढोल बजाएगा। हाँ माना, मुझे को चक्कर चलाना होगा, पर क्या करूँ? मेहर को सोच जल्दी। मैं पूछूंगा। मैं बोलूंगा। मैं पूछूंगा। तो रंजित, अभी सवाल तुम पूछोगे। पर याद है, एकदम डिफिकल्ट सवाल होना चाहिए। कैसी उथल पुथल चल रही है मेरे मन में, कैसे तीर चलाए हैं परियों ने। एक पल में ऐसा लगता है कि रानी परी के जाके कदम छूटो, उनके पैरों में पड़ जाऊं, और दूसरे पल ऐसा लगता है कि परीलोक को जाकर जलाकर भस्म कर दो। महाविनाशनी, परियों के वार करने के बाद भी हुआ आप सुरक्षित, ये देखकर हुआ मैं बहुत खुश। है पता आपको, है चढ़ाई मैंने 11 नारियल बुराई के देवता को, और ये 12वां नारियल मैं चढ़ाऊंगी। मुझसे गुस्सा तो बता दूं मैं आपको कि परियों का आप पर वार होता हुआ देखकर नहीं हुआ मुझे सहन, और हो गया मैं कल बेहोश, और आया जब मैं होश में तो थी नहीं आप वहां पर। महाविनाशनी, था मैं कल बेहोश इसलिए नहीं कर पाया आपकी कोई मदद, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा मैं उन परियों को। महाविनाशनी, दे दीजिए मुझे आपकी शक्ति, कर दूंगा मैं सब परियों का अंत, और दिखा देता उनको बुराई की ताकत। महाविनाशनी, दे दीजिए मुझे आपकी शक्ति। लाइए बाबा। महाविनाशनी, माना कि ये तो तुच्छ प्राणी है, बकवास करना इसकी आदत, लेकिन अभी इसने गलत क्या कहा?
परियों को तो बुराई की मुट्ठी में मसल कर रख देना चाहिए। मैं भी जाकर उनकी खबरदार। सच्ची और अच्छी परी की तरफ नजर मत डालो, उनके खिलाफ कुछ बुरा मत कहो, उनकी सच्चाई और अच्छाई से पूरी दुनिया टिकी हुई है। और रानी परी हमारी आदर्श है। अरे महाविनाश जी, है क्या कह रही है आप? है आपका दिमाग तो ठिकाने ना? बिल्कुल ठिकाने पर है। तौबा 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 तौबा, मैं रानी परी और बालवीर की तरह अच्छे कार्य करना चाहती हूँ, बुराई को पीछे छोड़ना चाहती हूँ। तौबा तौबा, तुम और शातिर परी, तुम लोग पृथ्वी लोक जाओ, अच्छे कार्य करना शुरू करो, सब लोगों की सहायता करो, उनकी मदद करो। जाओ। बालवीर, भटकाती परी, सुना आपने? महाविनाशनी सचमुच बदल चुकी है, उनके अंदर अच्छाई प्रवेश कर चुकी है। हाँ गाल परी, लगता है रानी परी की ये योजना सफल हो गई है। तो रणजीत, पूछो अपना सवाल। अच्छा, तो ज्ञानी मोंटू जी, बताओ कि इंडिया की तुम सवाल नहीं पूछोगे, मैं सवाल पूछूंगी। बैठ जा मोंटू, क्लास में सबसे इंटेलिजेंट मैं हूँ, तो अगर मेरे सवाल का जवाब तुमने दे दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि तेरा जनरल नॉलेज बढ़ गया है और तू ज्ञानी हो गया है। करेक्ट। पूछो मैं, पूछो, तुम सवाल पूछो। तो मोंटू, तो हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही वीक है, तो मैं उस सब्जेक्ट से सवाल पूछती हूँ। आई डोंट नो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है। तुझे जवाब आता है या नहीं? तू तो ज्ञानी है, तुझे तो पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता। सही जवाब। I don't know का हिंदी ट्रांसलेशन होता है मुझे नहीं पता। मोंटू ने सही जवाब दिया। अरे वाह, मोंटू ने सही जवाब दे दिया। तो बोलो ज्ञानी मोंटू की जय। ज्ञानी मोंटू की जय। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू। मैं पूछो अपना दूसरा सवाल पूछो। वेरी गुड मोंटू, तो आपके सामने दूसरा सवाल ये रहा। आई नो एवरीथिंग, आई एम नॉलेजेबल, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? मेरा ज्ञान बाहर क्यों नहीं आ रहा है? सॉरी टू से मोंटू, लेकिन तुझे कुछ नहीं आता, तू यूजलेस है, तुझे कुछ नहीं पता, तू ज्ञानी हो ही नहीं सकता। मुझे सब बताओ, मैं ज्ञानी हूँ। फिर से सही जवाब। देखा, आई नो एवरीथिंग, आई एम नॉलेजेबल का हिंदी ट्रांसलेशन होता है मुझे सब पता है, मैं ज्ञानी हूँ। अरे वाह, मोंटू बॉस ने दूसरा सही जवाब दिया। तो बोलो ज्ञानी मोंटू की जय। ज्ञानी मोंटू की जय। ज्ञानी मोंटू की जय। सर, मैं ज्ञानी हूँ, इसीलिए ये लोग खुश हो रहे।
और ज्ञानी। अरे बिना बैटरी के फोन चल सकता है, बिना बैलेंस के कॉल लग सकती है, बिना इंटरनेट के ईमेल भी जा सकता है, पर तू ज्ञानी कभी नहीं हो सकता, समझा? तो ठीक है सर, आपको मेरे ज्ञान पर विश्वास नहीं है ना, तो आप मेरे ज्ञान का टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, तो ठीक है, तेरी टेस्ट मैं ले लेता हूं। मेर, अब तो हम मर गए, कि अब तो मोंटू को पता चल जाएगा, वो तो डफर का डफर ही है, और वो फिर हमारे सिर पर नारियल फोड़ेगा। महाविनाशनी, आप सच में चाहती हैं कि हम अच्छा काम करें? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? महाविनाशनी, आया हूँ मैं बरसों से करते बुरे काम, मतलब करूंगा कैसे मैं अच्छे काम, है ही नहीं मुझे आदत अच्छे काम करने की। आदत नहीं है तो आदत डालो तोबा तोबा, अच्छे काम करना अच्छी बात होती है, एक बार कोई अच्छा काम करके देखो, किसी की मदद करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। जाओ पृथ्वी लोग जाओ और जाकर सबकी मदद करो, जाओ। बालवी, अब हमें यकीन हो गया कि महाविनाशनी पूरी तरह से बदल चुकी है, चलिए ये शुभ समाचार रानी परी को देते हैं, चलिए। तौबा तौबा, शातिर परी, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जा रहे कहाँ, मतलब है जा रहे हम पृथ्वी लोग, मारेंगे बुरे लोगों को लात और गुस्से और करेंगे सच्चे और अच्छे लोगों की मदद। कहा था जैसे, खबरदार, तौबा तौबा। मेरे विनाश लोक में अच्छे और सच्चे जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करना, विनाश लोक की आग में डाल दूंगी तुम्हें। महाविनाशनी, आप पहले मजाक कर रही थी या अब मजाक कर रही हैं? शातिर परी, महाविनाशनी मजाक नहीं करती है। ये महाविनाशनी को फिर से क्या हो गया? अभी अभी तो कह रही थी कि अच्छे काम करो और अभी फिर से बुराई की तरफदारी करे। तुम दोनों पृथ्वी लोग जाओगे अच्छा काम करने नहीं, बुरा काम करने जाओगे। जाओ जाकर बच्चों को सताओ, इतना सताओ कि परियों को पता चल जाए कि महाविनाशिनी पर वार करने का परिणाम क्या होता है। जाओ दोनों। महाविनाशिनी, है आपके कहने का मतलब ये कि जाकर पृथ्वी लोग है हमें करने बुरे काम, बुरे काम, बराबर? बच्चों को परेशान करना है, बराबर? एक बार बोला काफी नहीं है, जाओ दोनों यहाँ से। नहीं आता समझ में, चलो बुरे काम, चलो चलो। शातिर परी, भटका दी परी, गाल परी, इसका मतलब तो यही हुआ कि बुराई नाशक श्वेत बाणों का असर महाविनाशनी पर कुछ ही देर के लिए हो पाया है, वो वापस बुरी परी बन गई। हाँ भाभी, हमें भी यही लगता है, श्वेत बाणों की योजना असफल रही। चलिए बालवीर, ये सबको जाकर रानी परी को बताते हैं, चलिए। टमाटर तैयार हो? तैयार हूँ सर।
मेरा ज्ञान आपके सवाल का इंतजार कर रहा है सर, पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए। मानव, अब मोंटू का सो कॉल्ड ज्ञान का फुग्गा फूटने वाला है। हाँ, और उसके साथ साथ मेरा सिर भी फूटने वाला है, क्योंकि मोंटू को पता चलने वाला है कि मेरे ज्ञान देने वाले नारियल का आइडिया एक मजाक था। हाँ मानव, अब भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है। मानव, अब तो भागना ही पड़ेगा। आदम आंटो, बताओ कि पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सर, आउच, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है। दोनों के साथ में दर्द हो रहा है। सर, हम दोनों भाई बहन है ना, तो भूख लगती है वो भी एक साथ, नींद आती है वो भी एक साथ, बुखार आता है वो भी एक साथ। समझ गया, सब कुछ साथ साथ में होता है। हाँ सर, इसलिए हमें घर जाने दीजिए प्लीज सर, क्योंकि मुसीबत भी साथ में आई है। प्लीज। सो सैड मानव एंड मेहर, सो सैड। अरे इतने सालों बाद मोंटू जीके की टेस्ट के आंसर देने वाला था, वो भी पहली बार, और वो देखने का वंस इन अ लाइफ टाइम मौका तुम लोग गवा दोगे। वो तो है सर। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन घर नहीं, स्कूल के डॉक्टर के पास। रघु जी सर, इन दोनों को स्कूल के डॉक्टर के पास ले जाओ। अरे बैग लेके कहाँ जा रहे हो? रुको, जल्दी 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 जाओ, पकड़ो। हाँ तो मांटो, पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? परियों, आपने जो देखा इसका अर्थ ये है कि महाविनाशनी के अच्छा बनने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। लेकिन रानी परी, वो तो वापस बुरी बन गई है। महाविनाशनी बुरी नहीं है बालवीर, लेकिन उसके अंदर पांच बुरी परियों के जो अंश हैं, वो इस परिवर्तन में बाधा डाल रहे हैं। वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि अच्छाई उन पर हावी ना हो सके। लेकिन हमें तो डर है रानी परी कि वो बुरे अंश महाविनाशनी की अच्छाई पर हावी ना पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा डरी परी। बालवीर, परियों, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में औषधि के प्रवेश करते ही रोग के सारे कीटाणु धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह अच्छाई की औषधि से बुराई के सारे कीटाणु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हाँ बालवीर, रानी परी बिल्कुल सही कह रही है। जब तक महाविनाशनी के अंदर बुराई के सारे अंश खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। तब तक महाविनाशनी के मन में अच्छाई और बुराई का ये युद्ध जारी ही रहेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अंत में अच्छाई की ही जीत होगी। रानी परी, तो क्या हमें और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? हाँ विचार परी, प्रतीक्षा के साथ साथ हम सबको धीरज भी रखना होगा। परियों, एक बात तो तय है कि श्वेत बान ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, और देखना परियो, एक दिन महाविनाशनी के मन में अच्छाई का फूल खिलकर ही रहेगा। काला गुलाब बुराई का प्रतीक होता है, और मुझे बुराई बिल्कुल नहीं पसंद। ये हुआ ना सुंदर और अच्छा गुलाब। दूंगा मैं पहले खबर, दूंगा मैं पहले खबर महाविनाशनी को। महाविनाशनी है क्या? मैंने पराक्रम ऐसा कि सुनकर उसे हो जाओ कि आप कुछ और दो की मुझे इनाम। अगर
तुमने इनाम के लायक काम किया है तौबा तौबा, तो इनाम अवश्य मिलेगा। बताओ। वो बताता मैं, रखिए धीरज। तो गए थे हम पृथ्वी लोग, तो देखा मैंने वहां पर एक बड़ा सा वाहन, थे उसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हुए। तो देखकर उन्हें आया मेरे दिमाग में कमाल का विचार, किया मैंने शातिर परी को आदेश की, उठा लो इस वाहन को जादू से हवा में। फिर क्या मानकर मेरा आदेश शातिर परी ने उठा लिया वाहन को जादू से हवा में। वाहन और फिर मेरे आदेश पर इस शातिर परी ने किया इस वाहन को उल्टा और हो गए सारे बच्चे उल्टे। और फिर मैंने उस वाहन को मत बोलो बीच में हूँ दे रहा ना मैं पूरा का पूरा ब्यौरा। हाँ तो था क्या मैं वाहन फिर मेरे आदेश पर शातिर परी ने घुमाया वाहन को गोल गोल आगे पीछ आ रहा था मुझे बहुत मजा। एकदम बैठे रहो अंदर नहीं तो कर दूंगा अंत तुम्हारा। तौबा मैंने तुम्हें अच्छे काम करने के लिए कहा था और तुमने वहां जाकर अच्छे और सच्चे बच्चों को सताया, विद्यालय के बच्चों को सताया। बालवीर, परियों, हम मानते हैं कि महाविनाशनी का ये व्यवहार आपको थोड़ा अजीब लग रहा है। कभी तो वो आपको अच्छी लगती है तो कभी बुरी लगती है, लेकिन हमारा भरोसा कीजिए, महाविनाशनी के भीतर चल रही इस प्रक्रिया का परिणाम बहुत अच्छा होगा। रानी परी, हम आपकी बात पे संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन महाविनाशनी बहुत ही चालाक और शक्तिशाली है, इसलिए हमें संदेह हो रहा है। तो गाल परी, अपने संदेह को अपने मन से निकालकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं महाविनाशनी की केवल एक ही नियति है, अच्छा। और देखिएगा, महाविनाशनी एक अच्छी परी बनकर रहेगी। और बालवीर, हम आपके साथ स्वयं विनाश लोक में जाएंगे और महाविनाशनी के हृदय परिवर्तन के बाद उसे यहाँ लेकर आएंगे। जी रानी परी। उछल रहा था ना तुमकी, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछो। 5 मिनट से पूछ रहा हूँ तुमको डिफिकल्ट क्वेश्चन। बताओ पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है, जवाब दो। मानव मैं के सवाल के जवाब तो दे दिए थे मैंने, तो इसका जवाब क्यों नहीं सोच रहा? मेरी ज्ञान को क्या हो गया अचानक? फॉर्मूला क्या है पानी का, केमिकल फॉर्मूला बताओ मुझे। सर कौन से पानी का? म्युनिसिपैलिटी का पानी, फ्रिज का पानी, मटकी का पानी, नदी का पानी, समुद्र का पानी, कौन सा पानी सर? मंडू, पानी कोई भी हो, समुद्र का हो या फ्रिज का हो या मटके का, केमिकल फार्मूला एक ही होता है। कैसे होगा सर? देखिए, समुद्र का पानी खारा होता है, नदी का पानी मीठा होता है और फ्रिज का पानी तो ठंडा होता है ना सर। और वही फ्रिज का पानी मुझे मेरे सर पे डालना पड़ेगा क्योंकि मेरा दिमाग तुमने इतना गर्म कर दिया। सॉरी सर, पर वो क्या है ना, मेरा ये ज्ञान का एंटीना नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप ही मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे बेवकूफ, पानी का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन का 1 कण। आता जाता तो कुछ नहीं और निकला बड़ा ज्ञानी बनने। आज मैं तुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्ञान देता हूँ, उसे गांठ बांध लो। सर ज्ञान को गांठ कैसे बांधू? मेरे पास गांठ बांधने के लिए कुछ नहीं है, आप दस्ती दे दोगे तो मैं गांठ बांध लूंगा। तू कथा था, कथा है और कथा रहेगा। ये
दादी के पुदीने के काढ़े से ही हो सकता है। डॉक्टर की दवाई हम पर असर ही नहीं करती ना। हम घर जा रहे हैं, प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है पेट में। बाय बाय। अरे बच्चों, तो मानव एक बार हम इस गेट को पार कर ले तो हम सेफ हो जाएंगे। अभी महाविनाशनी पर भलाई का भूत सवार है। अगर मैंने कहा कि मैंने बुरा काम किया है तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। महाविनाशनी, मैंने कहा ना तोबा तोबा को कि ये बुरे काम मत करो। महाविनाशनी को बुरा लगेगा, वो नाराज हो जाएगी, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन मैंने वही किया जो आपको अच्छा लगे। मैंने विद्यार्थी के वाहन को सीधा किया, बच्चों को नीचे उतारा, पानी पिलाया, चॉकलेट दिया और उन्हें सुरक्षित घर में पहुंचा दिया। और यही नहीं बल्कि मैंने दो बच्चों को गुंडों से भी बचाया। मेरे इस अच्छे काम से बच्चे बहुत खुश हुए। शातिर परी, तुम महाविनाशिनी की सेविका हो, अच्छा काम करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने चेतावनी दी थी तुम्हें, अच्छा काम मत करना, फिर भी किया तुमने। तुम क्यों हंस रहे हो तोबा तोबा? तुम भी जाओ, शातिर परी के साथ जाकर बच्चों की और गरीब लोगों की मदद करो। अरे है क्या ये मजाक? अरे हो क्यों नचा रही आप हमें कठपुतली की तरह? कहती हो कभी कि करो अच्छा काम, कहती हो कभी कि करो बुरा काम, अच्छा काम बुरा काम, अच्छा काम बुरा काम। हो जाऊंगा मैं पागल? अरे हो तो नहीं गया कि आपका दिमाग खराब? अरे हिल तो नहीं गया आपके दिमाग का कोई पेज? है जरूरत आपको पृथ्वीलोक के किसी अच्छे मनोचिकित्सक की? चलिए चलिए मेरे साथ, वो करवाता मैं आपका इलाज। चलिए चलिए। बकवास बंद करो तौबा तौबा, जाओ जाओ पृथ्वीलोक और जाकर इतने बुरे काम करो कि लोग कांप उठे। जाओ जाओ जाकर जाकर इतने अच्छे काम करो कि अच्छाई का बोल बाला हो जाए और बुराई का मुंह काला हो जाए। जाओ तौबा तौबा, जाकर बुरे काम करो। चलो। नहीं तौबा तौबा, अच्छे अच्छे काम करो। नहीं नहीं नहीं, बुरे काम करना, अच्छे अच्छे काम करना, अच्छे काम करना कि बुरे काम करना? अच्छे काम करना। महाविनाशनी, अरे है ये सब किया कराया उन परियों का? पता नहीं चला कौन सा तीर महाविनाशनी को।
क्या नाटक किया था दोनों ने। वाओ, इस नाटक के लिए तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। तुमने कहा था ना कि सर पे नारियल गिरा हो तो अक्ल आएगी। हाँ, तूने ही कहा था ना मानव। अरे मोंटू जी, उस समय आपने इतना डरा दिया था कि मुझे जो सोचा वो मैंने बोल दिया। सॉरी। सॉरी? पापी सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुझे तो इस नाटक के लिए अवार्ड मिलेगा। अवार्ड? कितने नारियल थे? पूरे एक डजन बॉस। इतने सर? सिर्फ एक को भी मेरा। सुना? सुना? सुना तुमने? एक डजन नारियल और सर सिर्फ एक, वो भी मेरा। बहुत नाइंसाफी की। तुम्हें क्या लगा मोंटू खुश होगा? शाबाशी देगा? हाँ? मरो मरो मरो। ए, तुम दोनों को इस गलती की सजा बराबर मिलेगी, जरूर मिलेगी। रोहित जा जा जाके दो डजन नारियल लेके आ। क्यों बस? आपके सर पे वापस फोड़ने क्या? बेवकूफ, मेरे सर पे नहीं, इन दोनों पिद्दियों के सर पे। इन्हें भी तो पता चले नारियल फोड़ने से अकल नहीं आती, ऐसे टेंगुए आते हैं। हाँ बॉस, अभी लेके आता हूँ। रुक रोहित, देख मोंटू, तेरे में थोड़ी अकल तो आई है। तुझे ये तो पता चल गया ना कि नारियल सर पे गिरने से ज्ञान नहीं बल्कि टेंगुए आते हैं। अरे मोंटू बॉस, इनकी बातों में मत आओ, ये आपको उल्लू बना रहे। मुझे उल्लू बनाएगा? हाँ, रात में तुम लोगों ने मुझसे आसान सवाल पूछा ताकि मुझे शक ना हो। हाँ, तुम्हारे वजह से मेरी पूरे क्लास के सामने बेइज्जती हुई है। सर ने भी पूरे क्लास के सामने मुझे गधा बुलाया। तू गधा था, गधा है और गधा रहेगा। अब देखना कि गधा कैसे गधे के जैसे लात मारता है। मानव, मुझे लगता है मोंटू को सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मेर, वो सीक्रेट सीक्रेट ही रहने दे। उस गधे को सीक्रेट मत बताना, भले ही मुझे इस गधे की लाठी क्यों नहीं खानी पड़े। नहीं मानव, मैं तुझे पिटते हुए नहीं देखना चाहती। अब तो इस सीक्रेट मोंटू को बताना ही पड़ेगा। अरे बिद्दियो, क्या सीक्रेट बताना, बता दो। देखो मैं ज्यादा देर तक पैर ऐसे ऊपर नहीं रख सकता, जल्दी बताओ। अरे मोंटू बॉस, कोई सीक्रेट विक्रेट नहीं है, ये आपको उल्लू बना रहे। ठीक है, मार देंगे। हाँ, लेकिन याद रखना, तेरे अकल के दरवाजे हमेशा बंद ही रहेंगे, कभी नहीं खुलेंगे। चलो बताओ सीक्रेट, पर एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया ना, तुम्हारे सर पे नारियल नहीं पूरा नारियल का पेड़ फोड़ूंगा। लेकिन बॉस, तेरे सर पे भी फोड़ूंगा। चुप। मंजूर है, चल मेरे साथ, सब बताती हूँ। अरे गाड़ी तो लेके जाते बॉस। कैसा लग रहा है महाविनाशनी? अच्छा लग रहा है रानी परी। जाग गई महाविनाशनी। परियो, अब है नहीं खैर तुम सबकी। महाविनाशनी देखिए हमारी तरफ, ये बनो थोड़ी रोने वाली शक्ल। महाविनाशनी,
देखिए हमारी तरफ। देखिए आपका सेवक आपके होने वाले प्रधान को कैद किया इन परियों ने। महाविनाशनी कुछ कीजिए, छुड़ाइए हमें यहाँ से, कर दीजिए इन्हें समाप्त बुराई की शक्ति से, खास करके इस रानी परी को जिसे तौबा। खबरदार, अगर रानी परी के खिलाफ एक शब्द बोला मैंने आज तक जितने भी बुरे काम किए उसके लिए मैं आपसे और आप सब परियों से क्षमा मांगती हूँ। मेरा अंत बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर आपने मुझे अच्छा बनने का अवसर दिया। कैसे आप सबके ऋण चुकाऊंगी? हम सबके साथ खुशी खुशी साथ रहकर हाँ महाविनाशनी, अब आप हम सबसे अलग नहीं है बल्कि हम सब की तरह सच्चाई और अच्छाई का एक हिस्सा है। परियों, आज से महाविनाशनी परिलोक की ही एक सदस्य है और ये हम सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुराई का सामना करेंगी। महाविनाशनी, परिलोक में आपका स्वागत है। खुश रहिए महाविनाशनी, खुश रहिए। खुश रहो महाविनाशनी, खुश रहो। खुश रहो महाविनाशनी, खुश रहो। क्या बात है बालवीर, आप चुप क्यों हैं? अभिवादन कीजिए महाविनाशनी का। क्षमा कीजिएगा रानी परी, लेकिन मुझे अभी भी संदेह है कि महाविनाशनी अच्छी परी नहीं बनी। वो अच्छा बनने का केवल नाटक कर रही है, सिर्फ और सिर्फ नाटक। मेहर, अब हम उन्हें क्या बताएंगे? कुछ तो गड़बड़ है। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगर इन पिग्गियों ने मुझे अभी उल्लू बनाया ना, तो इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। ए मेहर, मेहर बता ना, वो राज कहाँ छुपा के रखा है? मोंटू, ये जो सीक्रेट है ना, ये टीचर्स वालों से जुड़ा हुआ है। हाँ। इसलिए किसी को भी मत बताना। नहीं नहीं नहीं। नहीं तो हम चारों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, रोहित की कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रोहित तू भी कसम खा, किसको नहीं बताएगा। हाँ, मैं कसम खाता हूँ मोंटू बॉस की, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे मेरे टेंशन मत ले, ये दोनों अपने ही है, किसी को नहीं बताएंगे। मोंटू, ये जो स्कूल वाला है ना, ये बहुत बड़ा स्कैंडल चला रहे हैं। उन्हें मेरे और मानव जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें नेचुरल अकल होती है ना। हाँ, लेकिन तुम जैसे स्टूडेंट्स की वजह से स्कूल वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तुम लोग दफा दो। मतलब तुम्हें नेचुरल अकल नहीं है और इसलिए तुम लोग बार बार फेल हो जाते हो और स्कूल का नाम खराब होता है। इसमें क्या सीक्रेट है, ये तो सबको पता है। देख मोंटू, रोहित को बोल दे कि बीच में ना बोले, नहीं तो मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगी, समझा? मैं भी। तू भी? तू भी ना, जरा चुप नहीं बैठ सकता मैं? सुन ना मैं। अरे बॉस। बालवीर, बालवीर आप ये क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि महाविनाशनी नाटक कर रही है?
बालवीर, क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण तो नहीं है रानी भाई, केवल संदेह है। क्योंकि आप ही ने कहा था कि किसी भी बुरी शक्ति को अपने अंदर की बुराई मिटाकर अच्छी परी बनने में थोड़ा तो समय लगता ही है। लेकिन महाविनाशी तो बड़ी आसानी से अच्छी परी बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आसानी से कहां बालवीर, हम सब ने और आपने भी महाविनाशनी पर बुराई नाशक श्वेत बाणों से वार किया था। केवल उतना ही नहीं बालवीर, आपने उनकी बुरी परी से अच्छी परी बनने की प्रक्रिया को भी देखा था। मैं जानता हूँ भटकाती परी, लेकिन फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हो रहा। रानी परी, क्या महाविनाशनी की अच्छाई और सच्चाई की परीक्षा नहीं ले सकते? नहीं बाली, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रानी परी, बालवीर सही कह रहा है, हमें श्वेत बाणों पर तो संदेह नहीं है, लेकिन हाँ महाविनाशनी की बुराई पर संदेह जरूर है। ऐसे में परीक्षा लेने में हर्जी क्या है? हाँ रानी परी, हमें महाविनाशनी की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मन से संदेह दूर नहीं हुआ तो हम कभी भी सच्चे मन से महाविनाशनी को अपना नहीं पाएंगे। और ऐसी स्थिति में हम महाविनाशनी के साथ अन्याय ही करेंगे। ले लीजिए परीक्षा, ताकि हम खुले मन से उसे अपना सके। लेकिन परियों, मैं तैयार हूं रानी परी। मैं बालवीर और बाकी सारी परियों की बात से सहमत हूं। मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। बालवीर की जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही कहती। महर, बताओ ना। नहीं। प्लीज प्लीज। ठीक है, बताती हूँ। हाँ? तो ध्यान से सुन, दफा स्टूडेंट्स का कल बढ़ाने के लिए टीचर्स उनको मुर्गा बनाते हैं। हाँ, एक्चुअली डफा स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो एक पनिशमेंट है, है ना? लेकिन राज की बात ये है कि वो पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट नहीं है तो क्या है? मोंटू, ये डफा स्टूडेंट्स की अकल बढ़ाने का आसन है, जिसे कहते हैं मुर्गासन। मुर्गासन? मानव मेहर, तुम्हारा पेट का दर्द कैसा है अभी? ठीक है सर, उनकी तबीयत, उनका पेट नहीं दर्द कर रहा है। तुझे पूछा मैंने, तुझे पूछा। तू कता था, कता है और कता रहेगा। ना मैं गदा था, ना गदा हूँ और ना गदा रहूंगा। मानो, क्या बोल रहा था तू? वहाँ मैं कह रहा था कि अगर कोई भी डफा स्टूडेंट मुर्गासन करे तो उसकी अकल बढ़ने लगती है। I don't believe this. मोंटू बॉस, अगर ये सब मुर्गासन करने से अकल आती तो टीचर्स हमें बता नहीं देते। ए इडियट। हाँ, ए। अगर टीचर्स ये सीक्रेट हम सबको बता देती तो कोई स्कूल ही नहीं आता, स्कूल बंद हो जाता, स्कूल का बिजनेस ठप हो जाता, है ना? और नहीं तो क्या? रोहित, तू तो मोंटू से ही बड़ा डफर है। मोंटू तो बिना बताए समझ गया। समझ गया कि नहीं? मैं बिल्कुल समझ गया, लेकिन इस बात का सबूत क्या है कि मुर्गासन करने से अकल आती है? जीता जागता सबूत। तुम? तूने कभी देखा है टीचर्स ने मुझे और मानव को मुर्गा बनाया हो? श्वेता, क्लास में जो थर्ड आती है उसे बनाया हो? नहीं ना। सोच मोंटू, सोच। स्मार्ट स्टूडेंट्स को मुर्गा बनाया नहीं जाता,
लेकिन तुझे और रोहित को मुर्गा बनना पड़ता है। मानव, मुझे नहीं लगता ये दोनों हमारी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए मेरे तीन गिनने तक हम यहाँ से भाग जाएंगे। सोच मोंटू। सोच मोंटू, ध्यान से सोच। अरे बॉस, मोंटू बॉस। अरे मेर, हंस क्या रही है? जब मोंटू को पता चलेगा कि मुर्गासन करने से कोई अकल वकल नहीं आती तो फिर हमें क्या बनाएगा? मानव, तब की तब देखेंगे, अभी तो देख मोंटू को ढंग से मुर्गा भी नहीं बनना आता। तो ठीक है परी, अगर महाविनाशनी और आप सबकी यही इच्छा है तो हम महाविनाशनी की सत्य जल की परीक्षा अवश्य लेंगे, और अगर सत्य जल को पीने के बाद महाविनाशनी ने किसी प्रश्न के उत्तर में झूठ कहा तो वो खुद ब खुद पकड़ी जाएंगी। अरे अब नहीं बचेगी। ठीक है बालवीर। नहीं रानी परी, महाविनाशनी इस परीक्षा को आसानी से पार कर सकती है। तो फिर हम सत्याग्नि वर्षा की परीक्षा ले सकते हैं। क्षमा कीजिएगा मां, लेकिन महाविनाशनी किसी भी प्रकार की अग्नि में प्रवेश करने के लिए सक्षम है। तो फिर अब एक ही परीक्षा बचती है बालवीर, एक ऐसी परीक्षा जिसके बारे में किसी भी बुरी शक्ति को नहीं पता, और कोई भी बुरी शक्ति इस परीक्षा से नहीं बच सकती। हम आदेश देते हैं कि महाविनाशनी के साथ साथ तौबा तौबा और शातिर परी को भी इस परीक्षा से गुजरना होगा, और यह परीक्षा होगी सत्य समर्पण की परीक्षा। लेकिन रानी परी, तौबा तौबा और शातिर परी की परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? वो बुरे हैं, हम सब जानते हैं। इसीलिए तो इन दोनों बुरी शक्तियों की परीक्षा लेना भी बहुत जरूरी है डरी परी। सत्य समर्पण पहाड़ की खाई से कोई भी बुरी शक्ति नहीं बच सकती, और चूंकि ये दोनों बुरी शक्तियां हैं इसीलिए ये सत्य समर्पण पहाड़ की खाई में अवश्य गिरेंगी। लेकिन अगर महाविनाशनी इस खाई में नहीं गिरी तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि महाविनाशनी एक अच्छी परी बन चुकी है। अरे अब तो महाविनाशनी की अच्छाई ले लेगी हमारी जान। अरे है क्यों चढ़ा इसके ऊपर अच्छाई का भूत। शुक्रिया रानी परी। महाविनाशनी, यह है सत्य समर्पण पहाड़ की खाई। यहाँ आप तीनों को सच्चाई और अच्छाई की परीक्षा से गुजरना होगा। आपको उस पहाड़ से इस पहाड़ तक आना होगा, वो भी हवा में चलकर। याद रहे महाविनाशनी, यहाँ आप अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती। महाविनाशनी, एक और बात याद रखना, अगर अब भी तुम में बुराई का एक भी कण बाकी है तो तुम इस खाई में गिर जाओगी। अरे मुझे चक्कर नीचे देखकर महाविनाशनी कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। रानी परी, महाविनाशनी के चेहरे का डर बता रहा है वो इस परीक्षा में खरी नहीं उतर पाएगी और खाई में जरूर गिर जाएगी।
पहले तुम्हारी बारी है, चलना शुरू करो। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। जाओ, अलविदा, शातिर परी अलविदा। शातिर परी चलना शुरू करो, वरना हमें तुम पर वार करना होगा। जाओ, जाओ। जो बनने नहीं दिया मुझे पता है तुझे ना मुझसे जलन हो रही है क्योंकि अब तुझमें अक्ल नहीं आएगी ना। अरे बॉस नहीं चाहिए मुझे अक्ल। ये देखो कल के आए हुए ये लड़के लोग आपको आपको चिढ़ा रहे। अरे हटो तुम लोग की तो हटो। देखो बॉस ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसकी चिंता तू मत कर, जब मेरा मुर्गासन कम्प्लीट होगा ना और मैं जब ज्ञानी बन जाऊंगा ना तब इन पिग्गियों को अपने आप पता लग जाएगा, समझा? मोंटू बॉस ये आप क्या कर रहे हो? हदे रोहित मेरा मुर्गा सन इतना परफेक्ट हो गया ना कि मुर्गी को मेरी भाषा समझ दी। अरे मोंटू बॉस आप समझते क्यों नहीं, मानव महर आपको उल्लू बना रहे हैं, ऐसे अक्कल नहीं आएगी। आएगी ऐसे अक्कल जरूर आएगी। अच्छा बॉस अब तो आप ऐसे कॉक 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 करके थक 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 मतलब थक गए होगे ना। हाँ तो चलो पिज्जा खा लेते हैं। पिज्जा आओ चल। नहीं मैं पिज्जा खाऊंगा तो मेरा मुर्गा सिम टूट जाएगा। आइडिया अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ो। अविनाश जी
कुछ कीजिए। सोच क्या रहे हो, तौबा तौबा आगे बढ़ो। अरे हूँ बढ़ रहा मैं आगे ही। लगता मुझे कि लगाई मैंने छलांग तो कर जाऊंगा पार ये खाई शायद मैं। नीचे मत देखना वरना चक्कर आ जाएगा। कि आप ये बाजरी खाने वाले हो? हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है। तो मैं बाजरी खाने वाला हूँ। अरे खोना पड़ता है, खाना पड़ता है नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे बेवकूफ, मुझे कुछ खोना नहीं है, मुझे तो खाना है। टेस्टी है ना बाजरी? आइए महाविनाशनी, अब आपकी बारी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आप अच्छी परी बन चुकी हैं, तो आप इस सत्य समर्पण पहाड़ की खाई को पार कर लेंगी। और अगर आप अच्छी परी नहीं बनी हैं, तो इसका परिणाम तो आप खुद ही देख चुकी हैं। आइए। चल खींच, फोटो खींच, चल। फोटो जी। मोंटू जी, मोंटू जी, ये लीजिए, आपने जैसे कहा था वैसे ही लिख के लाए हैं। एकदम वैसा। गुड वर्क, गुड वर्क। लेकिन ये किस लिए बॉस? ये मेरा अकलमंद होने का दूसरा ढासू आइडिया। जब मेरे दिमाग में पूरी तरह से अकल आ जाएगी, तब मैं प्रोग्राम रखूंगा और उस प्रोग्राम में ये ऐसे मिस वर्ल्ड की तरह पहन के आऊंगा और तभी लोगों को पता चलेगा कि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी अकलमंद बन गया है। मोंटू, ये क्या नया नाटक है? What is this? छोड़िए, ये सब नाटक नहीं है। मैं अकलमंद बनने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए ही मैं मुर्गा बनाऊ। अरे पर मुर्गा बनने से अकल नहीं आती। हाँ हाँ, आप तो ऐसा ही कहेंगे, पर आपकी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आप लोगों का राज जानता हूँ। राज? कौन से राज? वो स्कूल का बिजनेस चलाने का राज। आप डफर बच्चों को मुर्गा बनाते हो, पर ये कोई पनिशमेंट नहीं है। आप बच्चों से मुर्गासन कराते हो ताकि वो अकलमंद हो जाए। हाँ, और आपके स्कूल का नाम बढ़ जाए। पर ये सब आप उनसे छुपा कर रखते हो कि बच्चों को पता चला तो वो स्कूल छोड़कर घर जाकर मुर्गासन करेंगे और अकलमंद बन जाएंगे और आपका स्कूल का बिजनेस ठप हो जाएगा। तालियां, तालियां, क्या स्पीच दिए। चुप, बंद करो तालियां। और ये बिन थर पैर की ऊट पटांग बातें तुझे किसने बताई? हम लोग बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि तुम जैसे डफर को इसलिए पनिशमेंट देते, इसलिए मुर्गा बनाते, ताकि तुम लोग डरो और पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? कदा कहीं का? अगर मुर्गासन करने से कोई अकलमंद होता तो मुर्गे साइंटिस्ट होते, राइटर होते, कलाकार होते, तुम जैसे दाना नहीं चुकते, समझे?
और तुम लोग अपने अपने क्लास में जाओ। पिद्दियों ने मुझे फिर से उल्लू बनाया। यही तो मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरी बात तो सुननी नहीं है। और बोलो मुर्गा, कक 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 कक। नहीं 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 छोड़ूंगा उन पिद्दियों को। हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमें लगता है महाविनाशनी खाई में गिर जाएगी। परी, विषधार परी, लगता है महाविनाशनी अच्छी परी बन चुकी है, वरना अभी तक तो वो खाई में गिर चुकी होती। रानी परी, बाल परी, मैंने अपना सच्चाई और अच्छाई का प्रमाण दे दिया। यदि आपको कोई भी संदेह हो तो आप हमारी परीक्षा दोबारा ले सकते हैं। नहीं महाविनाशनी, अब इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें आप पर पूरा विश्वास है कि अब आप एक अच्छी परी बन चुकी हैं, और हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुराई का सामना करने के लिए तैयार है। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया। मैं आपके इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। क्या बात है बालवीर, आपने महाविनाशनी का अभिवादन नहीं किया, क्या अब भी आपके मन में कोई शंका है? रानी परी, परियों, मैं जानता हूं कि महाविनाशी ने सत्य समर्पण परीक्षा पार कर ली, इसलिए आप खुश हैं, लेकिन मैं... क्या बालवीर? मैं आप सबसे ज्यादा खुश हूं। खुश रहो महाविनाशनी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो परियों। मम्मी, मम्मी, मान
मानव क्यों चिल्ला रहा है? कोई नहीं है घर पे, सब मंदिर गए। अच्छा मानव जल्दी से रेडी हो जा, मम्मी ने कहा है कि डोर लॉक करके चाबी दीपिका आंटी को दे देने। मेर, फिर तो आज हम स्कूल ही नहीं जाते, आज हम घर पे ही बैठते हैं। क्यों? क्यों मतलब? ओ मैडम जी, आपने तो मोंटू को बोला था कि मुर्गासन करने से अकल आती है, पर अब तो उसे रियलाइज भी हो गया होगा कि हमने उसे सेकंड टाइम उल्लू बनाया, और ऐसे में अगर हम स्कूल जाएंगे तो वो हमारा क्या हाल करेगा। मानव तो क्या उसके डर के मारे हम यहीं घर पे बैठे रहे? ठीक है आज बैठ गए, लेकिन कितने दिन बैठेंगे? आज नहीं तो कल उसे फेस करना ही पड़ेगा। अरे मेहर, कल का कल देखेंगे, आज तो बच जाएंगे। अरे इडियट, कैसी बात कर रहा है? उसे हमारे घर का एड्रेस नहीं पता क्या? वो हमारे घर पे आ गया, हमारी बहन बचा सकता है। ओह नो, मैं दरवाजा तो बंद करना भूल ही गया, मैं अभी दरवाजा बंद करके आता हूँ।